राज्यों में पिछले कई समय से कोरोना संक्रमण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वलसाड़ जिला में फिलहाल तो कोरोना काबू में है, परंतु शासन प्रबंध कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी प्रयास कर रहा है एवं नागरिक लागू की गई गाइडलाइंस का अनुपालन करें इसकी भी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है, जिसमें विविध टीमों की रचना कर जिला में कोविड के नियमों का पालन हो इसकी भी देखभाल की जा रही है। लोगों को मास्क पहनने के लिए सूचनाएं भी दी जा रही है। इसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करता है तो उनके खिलाफ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। तभी सरकार के इसी अभियान को साकार करने कई संस्थाएं भी सहयोग दे रही है। आज वलसाड़ के बाजार विस्तार में देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्था द्वारा मास्क वितरण करने में आया था। इस संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा वलसाड़ के विविध विस्तारों में घूमकर जो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए उन्हें निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। साथ ही में शहर में लारी ठेले वालों के साथ साथ दुकानदारों एवं राहदारियों तथा बड़े से लेकर छोटे व्यापारी सहित बाजार में खरीदारी करने आते लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया था। पिछले 8 महीनों से वलसाड़ की देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट नामक इस संस्था ने अपने सेवा कार्य के चलते करीबन 5 लाख तक के मास्क का वितरण कर चुकी है। आज के दिन भी संस्था ने 5000 से अधिक मास्क का वितरण किया था। इस तरह वलसाड़ जिला में कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के लिए वलसाड़ जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना सहयोग दिया था। वलसाड़ की आर देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान भी जरूरतमंद महिलाओं को मास्क बनाने सहित अन्य रोजगार देकर अपना सहयोग दिया था। નમસ્તે, મારું નામ યતિ દેસાઈ છે. હું દેસાઈ ફાઉન્ડેશનમાં એઝ અ રિજનલ ડાયરેક્ટર સેવા આપું છું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોરોનાની મહામારી અત્યારે દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે અને સાથે સાથે લોકો આર્થિક કટોકટીનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે. તો આવા સંજોગોમાં દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અને ઊંટડી વિભાગ કેળવણી મંડળ ઊંટડી દ્વારા માસ્ક ઓફ હોપ નામના પ્રોગ્રામનું લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે 8 મહિનાથી. અને આ પ્રોગ્રામના અંતર્ગત અમે આજ દિન સુધી 5 લાખથી વધારે માસ્કનું બનાવી 300થી વધુ બહેનોને રોજગારી આપી છે અને સાથે સાથે જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને અમે વિનામૂલ્ય માસ્કનું વિતરણ કરીએ છીએ. આ સંસ્થાઓ દ્વારા સ્ત્રીઓ અને બાળકોને આર્થિક રોજગારી મળે, આરોગ્ય વધે, શિક્ષણ વધે એવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે સેનિટરી નેપકિનનું ઉત્પાદન અને વિતરણ જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ અમે ચલાવીએ છીએ. આજ રોજ અમે વલસાડ સિટીમાં લગભગ 5000 માસ્કનું વિતરણ કરવાના છે. શાકભાજી માર્કેટ, ટાવર, બસ સ્ટેશન માં જે લહેરી ગલ્લા વેન્ડર્સ, રહદારીઓ વગેરે જે રોજબરોજ વધારે માણસોના કોન્ટેક્ટમાં આવતા હોય છે અને એ લોકોને કોરોનાનો લાગવાનું ચાન્સીસ વધારે છે તો એ વ્યક્તિઓને અમે માસ્કનું વિતરણ કરવાના.